नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज के इस नए वीडियो में। और भारत से यूएई दुबई की उड़ानों को लेकर नई जानकारी देने जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके पहले अगर आप चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सको। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर इंडिया से दुबई के लिए जो नई अपडेट है वो आ रही है कि जो फ्लाइटों की डेट है उसको और भी ज़्यादा एक्सटेंड किया जाएगा, फ्लाइटें और भी ज़्यादा समय के लिए जो है आगे बढ़ाई जाएंगी। और नोटिस जारी करके बता दिया गया है GCAA की तरफ से कि जो यहाँ पर फ्लाइट हैं वो अगले नोटिस तक बंद रखी जाएंगी। आपको बता दें, यहाँ पर केवल ऐसा नहीं है कि दुबई से जो फ्लाइटें हैं वो केवल इंडिया से ही बंद की जा रही हैं। आपको बताना चाहेंगे, पाकिस्तान से भी जो एतिहाद और एमिरेट्स की उड़ानें हैं उनको कम किया गया है, मतलब जो फ्रिक्वेंसी है उड़ानों की उसको कम कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, जितने भी यहाँ पर ट्रेवल करने वाले हैं उन सभी लोगों को पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। पेशेंस नहीं रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इस वक्त जो भी COVID-19 की सिचुएशन है उस हिसाब से गवर्नमेंट अपने जो फैसले हैं वो ले रही है, साथ ही जो डेट्स हैं वो एक्सटेंड होंगी, तो इससे आपको थोड़ा सा भी जो अपना पेशेंस है वो नहीं खोना है। आपको बताना चाहेंगे, जिन लोगों ने फ्लाइट्स की बुकिंग करवा रखी है उनकी फ़्लाइट्स कैंसिल होंगी तो उनको जो फुल रिफंड है वो मिल जाएगा। साथ ही फ़्लाइट्स की बुकिंग इस वक्त काफ़ी सारी जगहों पर चल भी रही हैं, तो आपको इस वक्त फ़्लाइट्स की बुकिंग नहीं करवाना है, क्योंकि अगर आप फ़्लाइट्स की बुकिंग करते हो तो ऐसे में आपका जो रिफंड है वो फंस जाएगा। बाकी अगर आपका कुछ भी सवाल होता है यूएई की फ़्लाइटों से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली जानकारी के साथ। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।